कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962 यानी मेरा पंत नगर का आईडी नंबर और न जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म। मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर, कीप शाइनिंग। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप एन एग्रीकल्चरल कंपनी, एडिंग वैल्यू, बिल्डिंग ट्रस्ट। दोस्तों, हर हफ्ते मैं आपको मिलाता हूं पंतनगर के ऐसे सितारों से जिन्होंने अपने करियर्स में इंस्पिरेशनल हाइट्स छुई होती हैं। हमारी आज की गेस्ट, इन्होंने पिरामिड के टॉप पर तो पंतनगर का झंडा फहरा ही दिया, साथ ही साथ बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्पेस में रिमार्केबल डेवलपमेंट्स के काम किए हुए हैं। शी डिड हर बीएससी एग्रीकल्चर इन ईयर 2001 फ्रॉम पंतनगर एंड देन परसूड हर एमबीए फ्रॉम एक्सआईएम भुवनेश्वर। Having started her career as a trainee with Shriram Group, she got exposed to the bliss of fulfillment out of social work. Subsequently, she was handpicked by IFMR Chennai to develop microfinance solutions for the underprivileged. She is presently associated with a US-based non-profit organization, Axion, where she has been a global trainer, principal specialist for South Asia and Southeast Asia, and also she is managing their smart campaign for entire Asia. She was instrumental in developing financial inclusion code of conduct and consumer protection framework for the World Bank. She has worked across 20 countries, so she can aptly be termed as a globetrotter. She's a voracious reader and a philomath, a great speaker and passionate for social change. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Tanvi Tiwari. Tanvi ma'am, welcome to Stars of Pantnagar. Badi khushi hoti hai aap jaise guests ko host karne par, who make us proud to call ourselves Pantnagarians. सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। जस्ट टेक अस थ्रू योर करियर कॉन्टूर्स। पंतनगर वाज इनक्रेडिबली ब्रिलियंट पार्ट ऑफ माय लाइफ जर्नी। वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव रहा जहां उन चार वर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और फिजिकल लेबर भी बहुत करवाया, लेकिन यस, इट्स इंस्टिल्ड लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। साल 2001 में पंतनगर से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमबीए के लिए एक्सआईएम भुवनेश्वर ज्वाइन किया और एज पार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप वर्क, मेरा पहला असाइनमेंट वाज इन अ वेरी रिमोट विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान फॉर प्रधान। द प्रोजेक्ट वॉज ऑन आंवला एंड मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ये काफी चुनौतियों से भरा था क्योंकि वहां तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी, जैसे कि बिजली तो नहीं थी, लेकिन वहां शौचालय भी नहीं था। इट मेड मी रियलाइज दैट दिस वाज रियल इंडिया। लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खत्म किया और उसके बाद एमबीए के बाद मैंने श्रीराम ग्रुप SRF लिमिटेड इन दिल्ली ज्वाइन किया। आपको तो मालूम ही होगा कि श्रीराम फैमिली का शिक्षा के क्षेत्र में काफी नाम है, श्रीराम कॉलेज, स्कूल, श्रीराम एडुकेयर। सो एज पार्ट ऑफ CSR इनिशिएटिव फॉर SRF मैंने 2-3 ब्रिज स्कूल्स शुरू करवाए जो कि मेवात क्षेत्र के अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए था। इस मॉडल को CII एंड टेरी ने बहुत सराहा, इसकी डिमांड तो बहुत थी, लेकिन
sustainability and scaling up was a very big challenge. There was a continuous need for funding. मुझे तभी realize हुआ कि there is a big power of finance. How do we build sustainable models for this segment? फिर भी मैं काम करती रही और दो साल काम करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग काम नहीं कर रही हूँ. डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ लेकिन कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ. सो माई नेक्स्ट स्टिंट वॉज विद अ स्टार्टअप सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस इन चेन्नई एंड दिस वॉज बैक्ड बाई ICICI बैंक. टूडे इट इज कॉल्ड एज IFMR द्वारा ट्रस्ट. वहां मैंने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में सीखा एंड द इम्पैक्ट इट क्रिएट्स इन लाइव्स ऑफ लो इनकम हाउसहोल्ड्स. वी हैड सेट अप रिसर्च एंड स्ट्रेटजी यूनिट इन विच हम क्लाइंट जो कस्टमर है उनका रिसर्च करके पहले उनके नीड्स को समझते थे एंड थ्रू स्ट्रेटजी यूनिट हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप करके ICICI बैंक के क्लाइंट्स को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में हेल्प करते थे. आई वर्क टू ट्रांसफॉर्म सम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट आर टूडे टॉप 10 इन द कंट्री. फिर साल 2008 में आई गॉट मैरिड टू योगेश एंड वी डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन बैंगलोर. मेरे पास बैंगलोर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस एंड एक्सियन. बट आई चोज टू वर्क विथ एक्सियन बिकॉज दे वर पायोनियर्स इन दिस एरिया ग्लोबली. एक्सियन के साथ मेरा फर्स्ट असाइनमेंट वॉज सेकॉन्डमेंट टू अ लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंगलोर एंड सेटिंग अप अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इंडिविजुअल लोन बिजनेस और मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. This was a work from the scratch, challenging, interesting, and exciting. In 2-year time frame, मैंने 5-6 branches operational किए, blueprint for rollout prepare किया, and recruited local people to run the business. After this assignment, Axion deployed me in knowledge management work. लेकिन ये assignment के दौरान मुझे ऐसा लगा कि industry level पर बहुत काम करा जा सकता है. साल 2008 was an year of global financial crisis. Market was crashing everywhere. भारत में भी 2010 में आंध्र प्रदेश क्राइसिस हुआ. उस वक्त एक्सियन ने एक बहुत ही पावरफुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्मार्ट कैंपेन बनाया था जिसका ऑब्जेक्टिव था डू नो हार्म टू क्लाइंट्स. इस प्रोग्राम को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली. I was also part of the team that worked in this implementation. The entire market was impacted by financial crisis. और फिर हमने Indian market में responsible lending concept को promote करना शुरू किया. सभी ने इस model को अपनाया, accept किया. सभी banks and investors उसी financial institution में lending करते जो smart certified थे. भारत में इसकी सफलता को देखते हुए बाकी एशियन कंट्रीज ने भी इसे रेप्लिकेट किया. आज इस प्रोग्राम ने करीब 50 मिलियन क्लाइंट्स को ग्लोबली प्रोटेक्ट किया है और काफी सेंट्रल बैंक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी अडॉप्ट किया है. मुझे पढ़ना, एनालिसिस करके कोई फ्रेमवर्क बनाना और फिर उस नए फ्रेमवर्क को रियल मार्केट में टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मुझे यहाँ एक्सियन में 10 साल से भी ज़्यादा हो गए काम करते हुए, लेकिन हमेशा कुछ नया, कुछ हटकर, कुछ अलग करने का मौका मिलता है. आई लव वर्किंग ऑन बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस. साल 2018 में हमने एक यूनिक टेक्नोलॉजी बैक्ड टूल बनाया था जिसे खुद डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली में लॉन्च किया था. साधन एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO, इट इज लाइसेंस्ड बाय RBI, जिसके करीबन 200 मेंबर हैं और
31 मिलियन क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। ये जो टूल हमने बनाया था, इट वाज टू असेस मार्केट कंसंट्रेशन, सैचुरेशन, इट्स पोटेंशियल कैपेसिटी एंड टू असेस द हीटेड पॉकेट्स जस्ट टू कंट्रोल ओवर लेंडिंग। बट ये टूल बहुत ही सराहा गया और अभी भी डिमांड है कि हम ये टूल को फिलीपींस ले जाएं, कंबोडिया ले जाएं और डिफरेंट एशियन मार्केट्स में ले जाएं। लास्ट ईयर हमने एजेंट नेटवर्क एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे कि फिनो, ऑक्सीजन, वोडाफोन एम-पेसा, TCS, ट्रांसर एंड और भी लोगों के साथ मिलकर मार्केट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बनाया, which is today helping the industry to be more responsible and actually provide quality services to the client. Life में दो चीजें होती हैं, कुछ लोग सिर्फ जॉब करते हैं एंड कुछ लोग जॉब को एंजॉय करते हैं। I would like to say that I really enjoy my job. I love my work because it gives me satisfaction. Because of the impact that it creates at the last mile, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही meaningful काम है और ecosystem को मजबूत करने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। कहते हैं मैम, जिंदगी एक सी नहीं रहती। वैसे ही professional career में भी हम सभी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कोई घटना ऐसी घटी है आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, करियर में, जहां पर लगा हो कि जैसे होप छूट सी रही है और फिर कैसे टैकल किया आपने? If there was any you'd wish to share with us. Like others, मेरे करियर में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स हमारे साथ बैंगलोर में ही रहते थे। आज मैं ILO सर्टिफाइड ग्लोबल ट्रेनर हूँ, लेकिन इसका सफर थोड़ा मुश्किल था। साल 2010 में मेरा ILO सर्टिफिकेशन का फाइनल असेसमेंट था और मुझे इंटरनेशनल टीम के सामने लाइव इंडियन ऑडियंस में 3 मॉड्यूल्स प्रेजेंट करने थे। फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, सेकंड मॉड्यूल खत्म करने के बाद जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि देयर वाज मोर देन 30 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम पापा। मैंने कॉल बैक किया, पापा घबराए हुए थे और मुझे बताया कि मम्मी ICU में वेंटिलेटर पर थी। मेरे पास एक ही चॉइस था, मुझे सर्टिफिकेशन अधूरा छोड़कर फैमिली को अटेंड करना पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ILO टीम को अप्रोच करती रही। एंड देन अगेन इन द ईयर 2011 मुझे फिर मौका मिला, लेकिन दिस टाइम इट वाज विद द अफ्रीकन ऑडियंस इन तंजानिया। मुझे अफ्रीकन ऑडियंस को फिर से 3 मॉड्यूल्स प्रेजेंट करके सर्टिफिकेशन को हासिल करना था। दिस वॉज डिफिकल्ट क्योंकि वहाँ की फिनेंशियल लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली मुझे सर्टिफिकेशन मिल गया। इट्स बीन क्वाइट एन इलस्ट्रियस करियर आई मस्ट से। हियर आई वुड वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। कैसा बीता आपका बचपन और मोर इम्पोर्टेंटली कैसे पंतनगर आना हुआ वहां से? आई ग्रू अप इन अ सिंपल एजुकेशन ओरिएंटेड मिडिल क्लास फैमिली इन जमशेदपुर एंड एंजॉयड कॉलोनी कल्चर। सभी कम्युनिटीज एक साथ सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे। माय फादर वाज एन इंजीनियर लीडिंग द रिसर्च डिवीजन ऑफ टाटा स्टील। मेरे पेरेंट्स ने कभी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया। आई स्टडीड इन अ कोएड स्कूल एफिलिएटेड विद ICSE बोर्ड। मेरी छवि एक पढ़ाकू लड़की की थी एंड आई हैड फ्यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी आर स्टिल फ्रेंड्स।
हर पापा की तरह मेरे पापा भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बट आई डिड नॉट क्वालिफाई इन एनी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स. बेस्ड ऑन 12th ग्रेड स्कोर आई गॉट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू स्टडी देयर. दूसरी तरफ मैंने ICR एग्जाम्स भी दिए थे जहां मैं सेलेक्ट भी हुई और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला. फिर मैं पापा के साथ दिल्ली गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखा, साथ में ICR की काउंसलिंग भी अटेंड की. मुझे मिला पंतनगर और काउंसलिंग में जो लोग आए थे उन्होंने शुरू कर दिया पंतनगर की तारीफें. इतना बड़ा कैंपस कि वो अपने आप में एक सिटी है. वहाँ का खाना, मौसम, और मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग था इसका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होना, और वो भी 4 साल पहाड़ों के बीच में. वाओ. पापा मम्मी भी बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ हॉस्टल का अच्छा खाना, सेफ्टी, सिक्योरिटी था और साथ में स्कॉलरशिप भी थी. वेल, ट्रेलर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब तो पूरी फिल्म ही देखनी पड़ेगी. So I'm sure the audience is very keen to know the start of the film, that is your initial days, your ragging days, and then how you developed yourself. So just take us through that feature film. Please, you may start, please. मेरा पंतनगर कैंपस में मेरा वो पहला कदम मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था. आपने अगर मुन्ना भाई देखी हो तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे. मैं अपने बड़े से सूटकेस उठाए सरोजनी भवन हॉस्टल में अपना रूम ढूंढ रही थी. तभी मैंने देखा कि कुछ लड़कियां सीढ़ी के पास बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा इनसे थोड़ी सी हेल्प ले ली जाए. मैंने पूछा, हाय, कैन यू हेल्प मी प्लीज, वेयर इज रूम नंबर 21? और फिर और क्या था. उन्होंने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हेल्प कर दी और जम के रैगिंग की. टुडे पीपल से रैगिंग डज नॉट ब्रेक आइस, इट ब्रेक्स लाइव्स. बट इस रैगिंग का मेरे जीवन में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा. मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी और मेरे दोस्त भी बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन पंतनगर आकर मुझे पता चला कि दोस्त की क्या अहमियत होती है, दोस्ती के क्या मायने होते हैं. सीनियर्स खास करके तो बहुत ही महत्व होते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है आपको आगे बढ़ने में, आपकी ग्रूमिंग में बहुत मदद करता है. और इस चीज़ में मैं बहुत ही लकी रही हूँ. आज मैं आपके शो के माध्यम से अपने सभी सीनियर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी. Especially, I would like to thank ma'ams, Prerna Saxena ma'am, Sonia Bakshi ma'am, who continue to guide and inspire me even today. पहले ही साल में freshers night पर मैं master of ceremony बनी और इतने बड़े audience को face किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा achievement था. That certainly boosted my confidence. And today, as accredited licensed trainer, मुझे global audience को काफी बार face करना होता है. So I think इसकी नींव तो पंतनगर ने ही हुई थी. Well, I wanted to be sure of my next steps after graduation. And there were only two options, MSc or MBA. In my third year, under the guidance of Dr. Ranjan Srivastava sir, he was professor of horticulture, मैंने rose plants and pest management पर एक 3 से 6 महीने का research किया. और ये research में बहुत patience चाहिए होता है, but finally we published, and my first technical article was published in Pannagar Journal and the locally famous The Farmer's Digest magazine. The learning from this stint was that I was pretty sure that I did not want to pursue MSc. So I started exploring MBA
option and really worked hard, did a lot of preparations. And it is unique to note that from our batch, around 50 or I think even more than 50 students got placed in MBA colleges across the country. College aakar ke ma'am, bachche expose hote hain altogether ek nayi duniya se. बहुत सी नई एक्टिविटीज होती हैं, नई नई चीजें हो रही होती हैं, विच हेल्प देम शेप देयर पर्सनैलिटीज. एज यू ऑल्सो मेंशन्ड दैट यू बिकेम पार्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, सो व्हाट हैव बीन योर की टेक अवेज फ्रॉम दोज एंड हाउ डू यू चेरिश दोज ओल्ड डेज ऑफ पंतनगर, वो यारियों के दिन, वो अलमस्तियों के दिन, यू विश टू शेयर विद अस. Pantnagar was my first hostel experience, so it is very special to me. Hostel life bahut important hota hai, as it brings out the real you and it gives you priceless memories for life as friendships. There is no checklist for friendship, no right, no wrong, so much to learn from each other and accept people as they are. Hum doston ne saath mein धान और गेहूं की फसलें उगाई हैं, साथ में ट्रैक्टर भी चलाए हैं. एग्जाम के एक दिन पहले हम ग्रुप स्टडी करते थे और रात के 12 बजे मैगी, फ्राइड राइस और चाय पीकर नींद भगाते थे. मैंने बहुत दोस्त बनाए और हम जब आज भी मिलते हैं तो पुरानी यादों को लेकर हमें ऐसा लगता है कि हम पंतनगर फिर से वापस पहुंच गए हैं. It is so refreshing. Refreshing indeed. थोड़ा सा और refresh कर देते हैं इन चीजों को. So we got your best friend with us. Let's listen to what she has to say about you and the days spent with you in Pantnagar. Hi. So Tanvi और मैं आज भी हम वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे college days में थे. वी आर वेरी वेल कनेक्टेड. मैं एक डे स्कॉलर थी पर तन्वी की वजह से मैंने हॉस्टल लाइफ को पूरा इन्जॉय किया है. और तन्वी भी मेरे घर खूब आती थी. हम दोनों ने मेरे घर की छत पे खूब गप्पे मारी हैं, बहुत टाइम बिताया है. शी वॉज़ वेरी सिंपल, हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसको कभी गलत को गलत कहने में कभी डर नहीं लगा और उसने इस वजह से बहुत पंगे भी लिए हैं. बट वी हैड ग्रेट टाइम्स टुगेदर. हमने क्लासेस बंक की हैं, मेकअप लिए हैं और मेरी लेडी बर्ड साइकिल हुआ करती थी, उसमें हमने खूब घूमा है. मैंने उसको काफ़ी राइड दी हैं. कभी हम लाइब्रेरी जाते थे, कभी क्लासेस जाते थे और कभी कभी बंक मार के हम क्लास कैंटीन भी जाते थे. तन्वी का एक बात थी कि वो कभी स्मॉल टॉक में इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट शी वॉज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प हर फ्रेंड्स. और तन्वी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, दैट आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ यू. जस्ट बी द वे यू आर, लव यू. कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने सिर्फ क्लोज फ्रेंड से शेयर कर सकते हो. प्रियंका उनमें से एक है. यू नो, फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी अराउंड डिस्पाइट टाइम एंड स्पेस. शी इज माई ओल्ड फ्रेंड. आज हम दूर हैं लेकिन उतने ही घनिष्ठ हैं. प्रियंका, जल्दी मिलते हैं. मैम, इतना कुछ अभी भी आप कर रही हैं और इतना कुछ आप कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो आगे क्या करना चाहती हैं? यू सी सम गैप्स विच आर येट टू बी प्लग्ड इन टुडेज वर्ल्ड. आई थिंक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हैज चेंज द वर्ल्ड इकोनॉमी. डेटा और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से बहुत सारी सुविधाओं को सरल और आसान बनाया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या फिर एग्रीकल्चर. मैं लास्ट 2 ईयर्स से इस एरिया में काम कर रही हूँ. आई एम स्टिल अ लर्नर इन दिस फील्ड और आने वाले समय में आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग Digital India mission much more stronger, particularly for the underserved markets. I must say, Digital India is no longer phrase of future. I think it has rather become a present. Digital ho raha hai India,
एंड आई एम श्योर आप जैसे लोग साथ में हैं जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, सो द गवर्नमेंट विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव रियली फास्ट. हियर आउट ऑफ योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, व्हाट वुड यू वांट टू टेल आवर लिसनर्स, द मैसेज यू विश टू कन्वे टू आवर ऑडियंस? मैं अपने लिसनर्स को बस यही बताना चाहूंगी कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए. वी आर नॉट कम्पीटिंग विद एनी वन हियर, रादर आई थिंक द ओनली पर्सन वी आर कम्पीटिंग विद इज द वन यू सी एवरी डे इन द मिरर. सो टेक योर बेबी स्टेप्स, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड मेक अ बेटर यू. ऑल्सो इन माई करियर आई हैव एक्सपीरियंस्ड particularly with working women or working ladies, that women often tend to minimize their strength and maximize their weaknesses. While our new generation, it is far more confident and clear on kya karna hai, how to prioritize, how to push back. So I think we can consider being reverse mentored by this generation. It's really very important to give voice to our sisters, our daughters, and the onus is on all of us. I'm sure your message has cut across really effectively to our audience. So, well, we all feel very connected to our alma mater. So as an alumnus, how would you like to give back to your college and the people associated with your college, your Panthnagar or Panthnagar? I think I'm very active in the Panthnagar Alumni Bangalore chapter here. And we really ensure that saal mein ek baar milein aur thoda Panthnagar ki yaadein taza karein. Definitely, I am a firm believer as an alumni to give back to the place from where I learned so much. So I think I'll be very happy to mentor and coach students or pass outs, whoever need help. I'm always ready to help there. घड़ी की टिक टिक अब जाने का इशारा कर रही है. मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, कुछ समय सीमाओं से बंधे हुए हैं. मैम, चाहूंगा हमारी ऑडियंस से आप कुछ अपना मैसेज, कोई चीज जो शेयर करना चाहें जाते जाते, प्लीज डू सो. हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है. अब आपका ही एग्जांपल ले लीजिए, आपने, आलोक और नितिन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है. जॉब के अलावा भी आप इसके लिए समय निकालते हो और सभी को प्रेरित करते हो. आई सल्यूट यू गाइज, गुड लक एंड कीप इट अप. थैंक यू मैम फॉर बीइंग विद अस, इट वाज अ रियल प्लेजर टू हैव कनेक्टेड विद यू. वी विश यू बेस्ट ऑफ योर करियर एंड बेस्ट ऑफ योर लाइफ, कीप शाइनिंग. वी थैंक अ टाइटल स्पॉन्सर इंडोइन बिजनेस ग्रुप for making this podcast possible. Indoin Business Group, an agricultural company. Adding value, building trust. दोस्तों, ये था हमारा सातवां एपिसोड of Stars of Panthnagar. Needless to say, we are getting tremendous response from each one of you. So many comments, so many likes, so many phone calls. Just appreciating, just telling us how we are doing, how we are faring. And it gives us a lot of confidence, a lot of pleasure that yes, we are doing something which is being liked by people. क्योंकि ये शो तो आपके लिए ही बनाया है ना हमने. सातवें से एक बात और याद आती है कि हमें कहीं कुछ ऐसा भी फीलर था कि शायद ये सात दिन का इंतजार थोड़ा सा लंबा लग रहा है. Therefore, we have crafted new shows for the platform of Stars of Panthnagar, and very soon we are launching our next show on the platform of Stars of Panthnagar, जिसके लिए भी हमें आपसे वैसे ही प्रेम और सहयोग की अपेक्षा है जैसा आपने हमें अभी तक दिया है.
Our last episode was a blockbuster in real sense, Dr. S.K. Tiwari show. And I'm sure आने वाले shows को भी आप ऐसे ही सफल बनाएंगे. जहां तक मैं हर बार स्पॉन्सरशिप और फंडिंग की बात करता हूं, अगर आपकी उसमें कुछ क्वेरीज हैं या आप उसको जुड़ना चाहते हैं हमसे, यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर फेसबुक ऑफिशियल पेज ऑफ स्टार्स ऑफ पंतनगर या हमारी स्टार्स ऑफ पंतनगर की ऑफिशियल वेबसाइट पर. अंत में यही कहना चाहूँगा कि बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए. प्लीज़ बी विद अस and stay safe and yes, keep shining.